प्रदेश में भीषण गर्मी के चलते जहां आम जनजीवन खासा प्रभावित नजर आया तो वहीं पेयजल के लिए भी लोग तरसते नजर आए। राजधानी के चौमू कस्बे में भी पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है और साथ ही लोगों को महंगे दामों पर टैंकरों से पानी मंगवाना पड़ा। भले ही चौमू में 36 करोड़ रुपए की पेयजल योजना लगाई गई हो, लेकिन बावजूद इससे शहर में पेयजल आपूर्ति नहीं हो पाई। और इसी को लेकर बता दूं आपको कि कचोलिया रोड पर स्थित गुलाब विहार और विष्णु विहार कॉलोनी के लोगों ने जलदाय विभाग पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया और साथ ही इसी दौरान आक्रोशित महिलाओं ने जलदाय विभाग के सहायक अभियंता को जमकर खरी खोटी सुनाई। स्थानीय लोगों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों पर मनमानी करने का गंभीर आरोप लगाया। बढ़ता विरोध देखकर सहायक अभियंता ने लोगों से समझाइश की और समस्या का समाधान करने का उचित आश्वासन दिया और तब कहीं जाकर ये मामला कुछ हद तक शांत हुआ। विष्णु विहार कचोला रोड वार्ड नंबर 18 का रहने वाला हूं और वहां पे इन्होंने एन साहब ने जेसीबी लगाई थी पाइपलाइन डालने के लिए, किसी कारणवश उन्होंने हटा ली गई है। हम पानी 9 साल से हमारे पानी नहीं है, हम टैंकरों से गिरा रहे हैं। कचोलिया रोड गुलाब विहार और विष्णु विहार के हम रहने वाले हैं, तो हमारे पाइपलाइन खुदवाई गई थी तो पाइपलाइन को एन साहब ने किसी कारणवश वापस बुला लिया गया है। हम 11 साल से वहाँ रह रहे हैं, वहाँ पानी की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। हम निजी टैंकरों से 500 रुपए दे के पानी की आपूर्ति कर रहे हैं। 5 दिन टैंकर चलता है, कैसे काम चलेगा? बिना पाइपलाइन के हमारी बिल भी आ रहा है, बिना पाइपलाइन के हमारी बिल कैसे भेजा जा रहा है, ये कितनी बड़ी। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।